सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। भिंड की मऊ थाना पुलिस ने 7 बदमाशों को डकैती की योजना बनाते हुए धर दबोचा है। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो आरोपियों के पास से चोरी की 19 बाइक समेत अवैध बंदूक, कट्टे, तलवार और जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। भिंड SP शैलेंद्र सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मऊ थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना दी गई थी कि भदारौली के गुरियाची रोड पर सयानापुरा के पास बरवा नदी के डैम पर कुछ बदमाश जमा हुए हैं। इन बदमाशों के पास अवैध हथियार हैं और वे डकैती की योजना बनाकर वारदात करने के प्लान में हैं। ये खबर के बाद पुलिस की दो टीम गठित की गई और घेराबंदी कर 7 आरोपियों को दबोचा। पकड़े गए बदमाशों में रतवा निवासी संतोष बाल्मिक, चंटू बाल्मिक, अजय नाथ, विनोद कोरी, केशव जाटक, किरौली गिरजोरा निवासी दिनेश बाल्मीकि, प्रमोद वाल्मीकि है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने डकैती की वारदात करने की योजना बनाना स्वीकार किया। आरोपियों ने पूछताछ में ग्वालियर, दतिया, भिंड और जालौन उत्तर प्रदेश से 19 बाइक चोरी करना भी स्वीकार किया है। पुलिस है, इसको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति जो है वो सायनपुरा के पास बरवा नदी की पुलिया पे जो स्टॉपर बना है वहाँ पर इकट्ठे होकर वहाँ पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। तो इसमें जैसे पुलिस को सूचना मिली तत्काल उन्होंने अपनी टीम गठित करके जो आरोपी हैं उनको उनकी घेराबंदी करी और जब उन्होंने आरोपियों को वहां से पकड़ा तो आरोपियों के पास से पुलिस को जो है हथियार बरामद हुए, जिसमें 2 बंदूक सिंगल बैरल 12 बोल्ट की मिली, 1 बंदूक डबल बैरल 12 बोल्ट की, 1 .315, 2 देसी कटके, 5 जिंदा राउंड और 12 बोल्ट के और 5 जिंदा राउंड 315 बोल्ट के। इसके साथ साथ उनके पास से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया थाना मऊ में 399-402 और 25/27/59 का मामला पंजीबद्ध किया गया। इसके उपरांत इनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से जो है मोटरसाइकिल जो इनके पास से मिली थी वो और उसके अलावा कई जगहों से इनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करना बताया गया। और उसके बाद जब इनके यहाँ पे तलाशी ली गई तो इनके जो मेंबर्स थे इनके यहाँ पे अलग अलग जगहों पर करीब पुलिस को 19 मोटरसाइकिलें जो मिली जो इन्होंने ग्वालियर से, भिंड से, दतिया से और इवन यूपी के कुछ क्षेत्रों से चुराई थी। तो ये पूरा अंतर्राज्यीय गिरोह है वो पुलिस इसको पकड़ने में सफल रही और इनसे करीबन कुल मशरूबा 21 लाख रुपये का पुलिस को इनसे बरामद हुआ। इसमें कुल 7 आरोपी हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है, इनके पूर्व के रिकॉर्ड है जिनकी अभी हम लोग छांट रहे हैं और जितना इन्होंने बताया था वो मशरूबा बरामद हुआ है और पूरी जो कार्रवाई है SDOP गोवर और थाना प्रभारी मऊ और इनकी पूरी टीम की बहुत ही सराहनीय कार्रवाई है, जिसके लिए इनको। भिंड से रणवीर परमार, सागर टीवी न्यूज। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता, एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।